गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे क्या करे। जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना, जो है ही नहीं उसका पता लगाना, या फिर बंदर को नहाना, पानी में चलना, फ्रैंकेस्टाइन का भेजा ढूंढ के लाना, जाना रोलर चलाना, या बहन को बादल बनाना। तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल, है कमाल के फिनीज एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल, है कमाल के फिनीज एंड फर्ब, क्योंकि ये करते हैं कमाल। कैसे हैं आप सर, पहले से बेहतर ना? कार्ल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपकी वाइफ ने बुलाया ताकि आपका दिल बहल जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक किताब भी लाया हूँ। किस तरह की किताब? ये जादूगरों और योद्धाओं से भरी एक काल्पनिक कहानी है। इसमें स्वर्ग की परियां भी है? स्वर्ग की नहीं, पानी की जरूर है। तो फिर सुनाओ। गुजरे जमाने की इस कहानी को ध्यान से सुनना, जो योद्धाओं की बहादुरी की मिसाल है। एक घर में पुराने सामान बेचने वाला एक सौदागर रहता था। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं इन आम चीजों को कुछ सौ सालों के लिए छुपाने जा रहा हूँ, इससे इनकी कीमत बढ़ जाएगी। बैल को घास खिलाते रहना। कैंडिव्यर, मेरे लिए थोड़ा और पानी ले आओ। कैंडिव्यर, कहाँ चली गई ये लड़की? स्टेशल्डा, तुम्हें आज शाम के बारे में एक खबर देनी है। फसल की कटाई के जश्न के दौरान मैं जर्माइट के साथ डांस करूंगी। हस्ताक्षर कैंडिव्यर। हो गई, इसे इसी वक्त भेज देती हूँ। जाओ, मेरे वफादार, फर्ज निभाने का वक्त आ चुका है। अब जल्दी बन जाएगा। इसे भी अपने दूसरे जादुई गोलों के साथ रख देंगे, क्यों ना इनमें से कुछ को आजमा कर देखे। अरे वाह, साइक्लॉप्स, मेरी बारी। एक मैंटिको, शेर के सिर वाला। एक कॉकेट्रस। पानी लाना है तो ले। फसल कट चुकी है, अब जश्न होगा और शाम को होगा। कैसे हो फिनियस? मेरे साथ जर्माइट। कैसे हो फर्ब-a-lot? क्या मैंने अभी वही देखा जो मैंने अभी अभी देखा? कैंडिव्यू, फर्ब-a-lot की तरफ मत देखना, वरना पत्थर बन जाओगी। ये कर्म करने का वक्त है, फिजूल मजाक करने का नहीं। जिस दिन हमारी माता को तुम दोनों की असलियत का पता चल गया ना, उस दिन मैं और इस तरह बात नहीं कर सकती। अब नहीं बचोगे तुम दोनों। मॉम, उफ़, तुम्हारा तो पता नहीं फर्ब-a-lot, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे, आजकल तो बारिश का मौसम ही नहीं है, ये बेवक्त बारिश कैसी? चलो हम भी अंदर चलते हैं। रुक जाओ, मैं छोटे छोटे गड्ढों की रानी हूँ। मुझे लगा तुम झील की परी हो। नहीं, वो मेरी मॉम है। तो बच्चों, तुम लोग भी कुछ ढूंढना चाहते हो, अच्छी बात है। खैर, फर्ब-a-lot, तुम्हें और फिनियस को हर हाल में ढूंढनी होगी वो मशहूर तलवार एक्सकैलिफर्ब, और रोकना होगा उस शैतान जादूगर मलिफिशमर्ट्स को, जो इस बेवक्त की बारिश का कारण है। हाँ, फर्ब-a-lot में इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये बेवक्त बारिश। मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। जादुई पानी की परी इसबेला को तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए भेजूंगी। भेजो भेजो, जल्दी भेजो। आगे बढ़ो फर्ब-a-lot और फिनियस, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वाओ, अच्छा हुआ कि वो गर्म पानी की परी नहीं थी। मॉम, फर्ब-a-lot में कुछ ढूंढने जा रहे हैं। बाहर जाते वक्त बत्तख को अंदर भेजना मत भूलना। ठीक है मॉम, अंदर जाओ गर्ट्रूड। वो यही होगी वो परी इसबेल। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद तुम हमें रास्ता दिखाने आई हो। हाँ, पहले तुम्हें समझदारी के पुल के ऊपर से अनिश्चितता की बेरहम नदी को पार करना होगा, उसके बाद तुम्हें निराशा के दलदल से गुजरना होगा, फिर फ्रूट ब्रेक होगी। मैं अपने साथ कुछ सेब लाई हूँ। फिर तुम 10,000 दानवों की गुफा में जाओगे, जहाँ तुम्हें मिलेगी एक्सकैलिफर्ब नाम की तलवार। फर्ब सिर्फ वही योद्धा जिसका दिल साफ होगा, सिर्फ वही उसको पत्थर में से खींचकर उसे शैतान जादूगर मलिफिशमर्ट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा।